अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मूली का पराठा बनाने जा रही हूँ बिना आटा गूंथे हुए। देखिए किस तरह से, ये हमारी एक बड़ी मूली है, मोटी वाली बड़ी मूली होती है। एक कटोरी आटा है, ये हरा धनिया है, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा, दो हरी मिर्च। आप बढ़ा सकते हैं इसमें से कोई भी मिले, आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मिर्चा भी दो चम्मच ले सकते हैं, हरी मिर्चा भी दो चम्मच या दो हरी मिर्चा ले सकते हैं। अभी हम सबसे पहले एक बड़ी मूली को कद्दूकस कर लेंगे, मोटी मूली को, मीठी वाली एक मूली होती है मोटी वाली, मोटी सी, उसको हम कद्दूकस कर लेंगे। अब उसमें हम एक पूरा कटोरा आटा डाल लेंगे, ये वाली कटोरे से आटा डाल देंगे। ये भी एक पूरा एक चम्मच नमक डाल देंगे, ये आधा चम्मच जीरा और ये आधा चम्मच हरी मिर्चा। हरी मिर्च आप एक चम्मच बढ़ा दें, अभी दो हरी मिर्च डाल सकते हैं, तीन हरी मिर्च डाल सकते हैं। और ये हरा धनिया थोड़ी बचा लेंगे और बाकी सब डाल देंगे। अभी हमारा सब प्रिपरेशन कर लिया, इसमें सारी चीज़ें डाल ली हैं, सारी तैयारी कर ली है उसको मिलाने के लिए। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे कि मूली में भी पानी रहता है, वो भी अपना पानी करना ज़्यादा अच्छा। इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। इसको माटी जैसा नहीं लेंगे, थोड़ा पतला सा, थोड़ा पतला कर देंगे, मिलाएंगे। एक बैटर बना लेंगे, आटे जैसा मोटा नहीं, ऐसा नहीं बनना है, लोई जैसा दो नहीं बनाना है। एक ग्लास पूरा पानी लग गया हमारा इसमें। ये हमारा मिक्स हो गया है बैटर, अभी हम देख लेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। ये थोड़ा पतला और करना है इसके आधा कप पानी, सॉरी अच्छे से शोर आया तो हंसी आ गई, सॉरी। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी डाल देंगे आधा। हमने एक गिलास पानी डाला था और धीरे धीरे डाला था, थोड़ा थोड़ा पानी डाला, खट्टा नहीं डाला था। अभी हम इसमें आधा कप पानी और हमने डाल दिया इस बैटर में, और सब मिक्स कर लेंगे सबको इकट्ठा करके। ये हमारा तैयार हो गया बैटर। अभी इसको, अभी ये बैटर को आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। मूली में पानी होता है, वो थोड़ा बहुत जितना भी निकलना होगा वो आधे घंटे में सब निकल के बैटर को बराबर हो जाएगा, बैटर हमारा सही आ जाएगा। अभी हम तेल फ्राई करेंगे, तेल डालेंगे, और ये मूली वाला पूरा बैटर लगाएंगे। फिर चम्मच अच्छे से फैलाएंगे,
तरह से बनाएंगे हमारी मूली के पराठे, बहुत अच्छे बनेंगे और फटेंगे भी। अब हम इसकी आँच हमने धीमी कर दी थी, अब तेज कर देंगे। अब इनको तेज आस्ती है, हम थोड़ा सा धीमी आंच कर देंगे, थोड़ी देर पकने देंगे। हल्का हल्का तेल हम साइड में डाल देंगे। ये हमारा देख लेंगे हिला के, हमारा अच्छे से हिल गया मूली का पराठा अच्छे से। ये हमारा देखिए बिना बेले बिना आटा बेले पराठा, आसानी से पराठा बन गया। मम्मी के बच्चों के टिफिन में ऑफिस जॉब के लिए जाते हैं, फटाफट सुबह सुबह बना के टिफिन में दे सकते हैं। अच्छा अच्छा चुप रहो, एक और। अरे अब टाइम नहीं, थोड़ा सा तेल डाल दिया, जिसमें हम ये बैटर डाल देंगे दो चम्मच, और अच्छे से फैला देंगे। अब हम इसमें ऊपर से तेल डाल देंगे, चारों तरफ भी डाल देंगे हल्का हल्का, और इसको सिकने देंगे। इस तरह से पराठा बहुत आसानी से बन जाता है। अच्छे से सेक लेंगे, एक तरह से सेक लिया है, अभी दूसरी तरफ से सीख गया है। ये पराठा हमारा ये सीख गया है, हमारा उसे
ये हमारा कुरकुरा कुरकुरा पराठा तैयार हो गया है। इस बैटर में आप 2 चम्मच चावल का आटा डाल देंगे तो और कुरकुरा बन जाएगा। ये मेरा पराठा 2 चम्मच चावल का आटा कुरकुरा बना है। अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारे मूली के पराठे हैं, गरम गरम पूरे टेस्टी। ये हमारे कोफ्ते हैं, बथुए के कोफ्ते चटनी के साथ। मूली के पराठे खाइए।